कल हम सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसको हम एस नेट भी कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हम कर चुके वो था डायनामिक आईपी एन पोर्ट, जो कि बेस्ट ऑप्शन था। इसके बाद हमने चेक किया डायनामिक आईपी, जो कि वन टू वन ट्रांसलेशन था। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आईपीज मिलते थे और जितनी आईपीज थे उतने लोग एट ए टाइम जा सकते थे। ये था डायनामिक आईपी, लेकिन आपको कोई भी आईपी मिल सकती है। वो नहीं था कि रिजर्व आईपी हो आपके लिए कि ये ही नहीं, लेकिन जितने पब्लिक आईपीज थे उतने लोग एट ए टाइम जा सकते थे। इस वजह से इनको वन टू वन ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक फॉल बैक का मेथड था, तो हमने वो यूज करके ये इशू सॉर्ट आउट कर दिया। फिर बहुत सारे लोग जा सकते थे। थर्ड नंबर पे सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में और लास्ट ऑप्शन है स्टेटिक आईपी। ये भी वन टू वन ट्रांसलेशन है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं और यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। लेकिन ये स्टेटिकली आपको ही एक आईपी असाइन होगी, डायनामिक आईपी की तरह नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी मिल सकता है। सपोज तीन कार है आपके घर में और अगर आप फर्स्ट आ गए तो कोई भी कार ले जा सकते हो। लेकिन स्टैटिक आईपी में इस तरह नहीं है। अगर आप आए तो आपको एक स्पेसिफिक कार अलॉट है, आप वो कार ले जा सकते हो। अगर वो अवेलेबल नहीं है वो आपके लिए ऑल द टाइम होगा। ये है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी ये ऑप्शन है। इट मींस अगर मेरे पास जितनी भी इनसाइड में सिस्टम है, अगर वो इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो उतनी हमें पब्लिक आईपीस चाहिए उन सबको ट्रांसलेट करने के लिए। तो आईपीस तो सेव नहीं हो रहे हैं, ये तो जहन से निकाल दो कि कोई फायदा होगा और ये आईपी सेव कर लेंगे। नहीं, हाँ ये है सिक्योरिटी है, क्योंकि मैंने नेट की दो चीजें बताई थी मेन, कि आईपी सेव कर लेते हैं पब्लिक आईपी मींस आप जो, क्योंकि दुनिया में आईपीस कम है और लोग ज्यादा है कनेक्टेड है। तो नेट पेड हमें करते क्या है, हम इन साइड प्राइवेट से कनेक्ट होते हैं और बाहर एक आईपी को यूज करते हैं। तो स्टैटिक में वो चक्कर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि सिक्योरिटी है। हर इंटरनल लैन आईपी के लिए, प्राइवेट आईपी के लिए बाहर एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। ये है स्टैटिक आईपी। और बाई डायरेक्शनल कर दो या यूनिडायरेक्शनल कर दो, दोनों के लिए यूज भी कर सकते हो। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलेशन ये है कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ट्रैफिक के लिए यूज कर सकते हो। सेम आईपी को यूज करके बाहर से भी लोग आपको रीचेबल हो सकते हैं और सेम आईपी को यूज करके आप इनसाइड से बाहर भी जा सकते हो। तो मीन्स ये वो कार है जिसको आप अपने गांव में भी चला सकते हो और अगर बाहर मुंबई वगैरह जाना है तो वहां भी ले जा सकते हो, वहां से भी वापस आ सकते हो। लेकिन कुछ कार ऐसे होते हैं जो लोकली तो चलते हैं लेकिन बाहर नहीं चला सकते, मेन मेन रोड पे नहीं ले जा सकती, हाईवे और जो मोटरवे है वहां पे वो नहीं चलते। तो जब भी हम बड़ी सिटीज जाते हैं तो जबरदस्त कार फिर चाहिए, तो उसमें ये इशू नहीं है। इसको इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आईपीस जितने इनसाइड के लोग होंगे उतनी आपको आईपी चाहिए, ये इसका इश्यू है। तो जाती है ये सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में लास्ट ऑप्शन है। तो ये वही लैब है जो हम कल हम यूज कर चुके हैं। ये हमारा इनसाइड है जहां पे 192.168.1.10 एक इंटरनल सर्वर है, जो राउटर से हमने सर्वर बनाया है। PC1 और PC2 लिनक्स की दो सिस्टम है, टाइनी कोर के लिनक्स के जो 1.1 और 1.2 के साथ आईपीज हैं इनके। 1/2 हमारा इनसाइड इंटरफेस है जो कि 192.168.1.100 आईपी है और आउटसाइड इंटरफेस की आईपी 114.100 है। यू समझो ये हमारी पब्लिक आईपी है, यहाँ तो खैर दोनों प्राइवेट लग रहे हैं। और एक्सटर्नल भी हमारा एक सर्वर है टेस्ट पर्पस के लिए, और मैनेजमेंट भी यही है, तो हमने एक ही जगह से कनेक्ट की है ताकि टाइम सेव हो। PC1 पे जाते हैं। बाय द वे कभी कभार जब रीस्टार्ट कर दो तो ये आईपीज इनको नहीं मिलते, तो चेक कर लेते हैं।
अगर आईपीज कल के है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आईपीज नहीं है क्योंकि रीबूट कर दो तो इनके आईपीज चले जाते हैं जो लिनक्स के सिस्टम है। तो यहाँ पे आके इनको आईपी 192.168.1.1 और इनके लिए गेटवे जो है वो 100 है और डीएनएस इसका 888 है और दूसरा डीएनएस 111 है। अप्लाई करके एग्जिट कर दिया और यहाँ से एग्जिट करके टर्मिनल पे आके एफ कन्फिग तो 1.1 है, ठीक है। इसी तरह 1.2 को भी कन्फिगर कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल नेटवर्क और यहाँ पे आके 192.168.1.2 और गेटवे हमारे केस में 100 है, फायरवॉल की आईपी है और 8.8.8 और 1.1.1 अप्लाई कर दूँ, एग्जिट कर दूँ, क्लोज और यहाँ से भी एफ कन्फिग करके 1.2। एक दफ़ा फायरवॉल की आईपी पिंग कर लेते हैं 192.168.1.100, ठीक है। तो फायरवॉल की आईपी भी पिंग है, ठीक है, और कल का नेट भी होगा तो शायद इंटरनेट भी हो google.com। अगर कल वाला नेट अवेलेबल है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन तो शायद इंटरनेट पे भी जा पाए, यस। तो ये सेम टोपोलॉजी जो हमने कल यूज़ की थी। तो इस फायरवॉल को एक्सेस कर लेते हैं, इसकी आईपी क्या है 114.135। तो यहाँ से https 192.168.114.135 और लॉगिन एडमिन था और पासवर्ड हमने चेंज किया था abc@1234.5। अब आते हैं अगर मेरे नेटवर्क में कितनी पीसीज है, 3, तो मुझे 3 पब्लिक आईपीस चाहिए सेपरेट ट्रांसलेशन के लिए। तो अगर मेरे पास 192.168.1.1 है तो इसका ट्रांसलेशन कोई करेगा पब्लिक आईपी, तो हमारे केस में पब्लिक आईपी ये है सपोज 201, 192.168.1.2, तो ये दूसरा सिस्टम है मेरा, तो यहाँ पे भी एक पब्लिक आईपी चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए 202। और थर्ड नंबर पे जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे 1.10 है इनसाइड में, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए 192.168.114.210 सपोज। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इट मींस कि जितनी आपके इंटरनल सिस्टम है इतनी आपको आईपीस चाहिए बाहर के लिए। ये ट्रांसलेशन हर एक के लिए अलग अलग आईपी रिजर्व आईपी होगी। तो फायरवॉल में जाके यहां से क्लोज कर दो, ये भी क्लोज कर दो और नेटवर्क में जाके सारी चीजें वही कॉन्फ़िगर है। हमने एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर की थी सिक्योरिटी रूल जो अलाउड कर रहे हैं इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है। और इसके अलावा हमने इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन किए हैं 100 और 100 और 3 2 जोन बनाए थे और यहाँ पे वर्चुअल राउट कॉन्फ़िगर किया था। ये कल की स्टोरी है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये है, ठीक है। अब आते हैं अपनी पॉलिसी पे और नेट रूल पे। मुझे ये रूल नहीं चाहिए तो डायनामिक आईपी का रूल था तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक और रूल बना रहा हूँ जो कि स्टैटिक है। लास्ट हमारा वाला सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में स्टैटिक नेट कोई भी नाम दो। ओरिजिनल पैकेट हम कह रहे हैं कि ये आएगा इनसाइड से और ये जाना चाहते हैं आउटसाइड, और आउटसाइड का इंटरफेस जो है वो 1/1 है। अगर मेंशन करना है तो मैं कर दो, अदरवाइज ये नहीं रख दो किसी भी सर्विसेज के लिए। और सोर्स जो हमारा है ये इन लोगों में से कोई हो सकता है, पूरा सबनेट मैंने लिख दिया कि 1.1 1.2 एंड 254 तक कोई भी हो सकता है। डिस्टिनेशन पता नहीं कहाँ ये जाना चाहते हैं, इनको ट्रांसलेट कर दो। ट्रांसलेट टाइप ये कर चुके, ये भी कल कर चुके। लास्ट वाला है स्टैटिक आईपी, ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक आईपी लिख दो, ठीक है। लेकिन मुझे अभी दोबारा यहाँ से जाना होगा, कितने सिस्टम्स है तो 3 है मेरे केस में, मुझे 3 स्टैटिक नेट क्रिएट करने होंगे। तो स्टैटिक नेट PC1, ये PC1 के लिए है, तो इनसाइड से आउटसाइड और इस आईपी को 1 कर दो।
32 लिखना है 32 भी लिख सकते हो, मीन सिंगल आईपी। और इनको ट्रांसलेट कर दो, हमने क्या सोचा था कि जब 1 हो तो इसको 114201 में ट्रांसलेट कर दो, 192.168.114.201 में। और बाई डायरेक्शनल मीन्स बाहर से इसी आईपी पे लोग इनको रीच हो सकते हैं, तो बाई डायरेक्शनल कर दो। अगर नहीं करना है तो सिर्फ इनसाइड से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई 201 को यूज करके सर्वर को रीच नहीं हो सकते। एक सिर्फ एक पीसी के लिए कर दिया। अब ये एक पीसी बाहर जा सकता है लेकिन बाकी दो नहीं जा पाएंगे। पीसी वन के लिए मैंने सिर्फ एंट्री कर दी 201। अगर आपको पीसी टू भी बाहर ले जाना है तो आपको सेम इसी तरह करना होगा। अगर मैं पीसी टू से ट्राई कर दू, इसको सेव कर दू पहले, तो पीसी टू काम नहीं करेगा क्योंकि हमने एंट्री उनके लिए कोई नेट रूल है ही नहीं। तो पीसी टू पे जाके यहां से चेक कर लेते हैं कि आया मैं इंटरनेट पे जा सकता हूं या नहीं। ये तो पुराना था, यहां से अब नया facebook.com लिख दू तो ये काम नहीं करेगा। और अगर पिंग करना है तो पिंग ट्राई कर दो, नहीं करेगा। बाहर कुछ भी पिंग कर दो, नहीं हो रहा है। लेकिन पीसी वन होगा क्योंकि उसके लिए हमने एंट्री कर दी है पीसी वन के लिए। अगर आप पीसी वन से पिंग कर दो 8.8.8 को तो ये कर रहा है काम, और इसका गूगल वगैरह भी काम करेगा। ये कर रहे हैं लेकिन पीसी टू और ये इंटरनल सर्वर नहीं करेगा। अगर इन दोनों को भी करना है तो आसान तरीका है, इसकी क्लोन बना दो, क्लोन करके और इसको ओपन कर दो, ठीक है। जस्ट नाम चेंज कर दो पीसी टू, ओरिजिनल पैकेट यहाँ पीसी टू की आईपी 2 कर दो और ट्रांसलेट यहाँ पे 202 कर दो, डन। इंटरनल सर्वर के लिए करना है तो इसकी एक क्लोन बना के, आसान तरीका ये है, ठीक है। और इसका नाम चेंज करके नेट इंटरनल एसआरवी, इंटरनल एसआरवी की आईपी क्या है 10 है, 32 सिंगल आईपी मींस। और इनको ट्रांसलेट कर दो 2010 में, ओके कर दो और डन। तो इट मीन्स जितने आपके इनसाइड पीसी है हर एक के लिए सेपरेटली आपको इस तरह की रूल क्रिएट करने होंगे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अगर 200 डिवाइसेस है 200 टाइम आपको इस तरह करना होगा क्योंकि ये स्टैटिक नेट है, हर बंदी के लिए अलग अलग। जब तक ये यहां से अलाउड हो तो हम इसको एक्सेस करते हैं फायरवॉल को, कहां से, सिक्योर सीआरटी से, एसएसएच के थ्रू, ताकि मैं आपको वो टेबल शो कर दूं, सीएलआई से बेहतर नजर आता है, ठीक है। तो पहले तो इस सर्वर में जाके नो सीडीपी रन कर दो ताकि ये एरर शो ना करे। और इसकी आईपी एड्रेस असाइन है या नहीं है, ठीक है, इनका है। तो यहाँ से क्विकली मैं जाके क्विक कनेक्ट और एस एस एच 192.168.114.135 फायरवॉल की आईपी है एडमिन, और पासवर्ड इसका ABC@12345 है। तो फायरवॉल को मैंने एस एस एच के थ्रू एक्सेस कर दिया क्योंकि वहाँ ब्लैक स्क्रीन है, क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लिख देते हैं शो सेशन ऑल, ये सेशन है। सो स्टिल हम क्या यूज कर रहे हैं, सोर्स नेट एस लिखा है, ये थोड़ी देर बाद चेंज होगा। यहाँ पे लिखा है कि 1.2 को कौन सी आईपी में, 202 में, और 1.21, अच्छा बाकी से मैंने ट्रैफिक सेंड नहीं किया है तो पीसी 2 से ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं। अच्छा 2 से जा रहे हैं, 1 से सेंड नहीं किया है तो 1 से भी ट्रैफिक सेंड कर लेते हैं। यहाँ से गूगल पे जाते हैं और ये पिंग भी काम करेगा यहाँ से, और राउटर से भी सेंड कर लेते हैं। यहाँ से पिंग कर दो 8.8.8 को। अब आते हैं यहाँ पे और शो सेशन ऑल, तो 1.2 के लिए ट्रांसलेशन कोर कर रहे 202,
1.1 के लिए ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, 201, और 10 के लिए 2010 था। तो जाते हैं लास्ट में कहीं पे तो होगा 1.10, जिससे हमने पिंग सेंड कर दिया। 1.10 ये तो 1 है, यहाँ भी इंटरनल सर्वर की आईपी हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, तो दोबारा चेक कर लेते हैं। 1. जो थर्ड सर्वर है हमारा वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बाकी दो ट्रैफिक सेंड कर रहे थे, उसको तो स्टॉप कर दो, वो तो शो कर दिए ताकि इसका नज़र आ जाए, क्योंकि ये क्विकली रिमूव हो जाते हैं ना। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, शो सेशन आल, ये है 10 अभी भी नहीं है, जो हमारा इंटरनल सर्वर है। ठीक है, इंटरनल सर्वर दोबारा सेंड कर लेते हैं। भाई क्या हुआ इसको, ये है, और इसको क्विकली चेक कर लेते हैं, ये रहा 192.168 1.10, तो इसको ट्रांसलेट होगा 2.10 में। तो क्लियर है ना, हर एक का सेपरेट है, ये 210 है, ये 20202 है, और ये 201 है। तीन डिफरेंट सिस्टम है और तीन के अलग अलग ट्रांसलेशन हो रही है। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहां से टेलनेट करते हैं बाहर सर्वर को, ये वाला जो है एक्सटर्नल सर्वर, तो एक्सटर्नल सर्वर पे जाके इसकी आईपी तो चेंज नहीं है ना, पहले वो चेक कर लेते हैं, 188 है, तो 188 को टेलनेट करते हैं इंटरनल से। अच्छा, इस पर टेलनेट ऑन भी नहीं है, वो कल सेव नहीं हुआ था। लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट आल पासवर्ड 123 लॉगिन एनेबल पासवर्ड 123 और डू राइट। दोबारा ट्राई कर दो, यहाँ से ये हो गया टेलनेट। चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या शो कर रहे हैं, तो यहाँ से हु लिख के इसमें, तो ये आपको उसकी ट्रांसलेटेड आईपी शो करेगा, ये देख 114.210, ये कह रहे कि 210 मुझसे टेलनेट कर रहा है, यहाँ से टेलनेट कर लेते हैं। इसकी अपनी आईपी क्या है, 1.2 है, टेलनेट में करना चाहता हूँ 192.168.114.188 में, 188 था क्या था, हाँ 188 था, इसने भी टेलनेट कर दिया, ये भी शो करा देता हूँ करके, तो ये देख 210 और 202, क्योंकि मैंने PC2 से टेलनेट किया। PC1 की अपनी आईपी जो है, सॉरी एफ कन्फिग 1.1 है, हमने इसको ट्रांसलेट करना है 201 में, तो चेक कर लेते हैं टेलनेट 192.168.114.188 में। ठीक है, और 1, 2, 3, तो तीनों को यहाँ पे आपको यहाँ से भी शो करा देता हूँ, ये देख हर एक की सेपरेट ट्रांसलेशन। इसको कहते हैं स्टैटिक नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, स्टैटिकली एक आईपी को हमने दूसरी आईपी में ट्रांसलेट कर दिया, चूंकि सोर्स चेंज हो गया। रियल सोर्स क्या है 210 का, इसका सोर्स जो रियल है वो ये है, शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 1.10, 1.10 जो सोर्स था वो चेंज हो गया 114.210 में, तो चूंकि सोर्स चेंज हो गया तो इसको कहते हैं सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और स्टेटिकली एक आईपी दूसरे में चेंज हो गई तो इसको कहते हैं स्टेटिक नेट। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूं, यहां से टेलनेट इसी आईपी पे कर सकता हूं, कहने मैंने बाई डायरेक्शनल अलाउड किया था, लेकिन यहाँ पे टेलनेट इनेबल करना है और रूल में अलाउड करना है, तो लाइन VTY 024 पासवर्ड 123 लॉगिन एग्जिट डू राइट, और एक फायरवॉल में एक्सटर्नल से इंटरनल एक रूल क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो हमने रूल अलाउड किया है सिक्योरिटी रूल, वो क्या है, वो है अलाउड इनसाइड टू आउटसाइड, या इसी रूल में ये भी कर सकते हो कि आउटसाइड टू इनसाइड ऐड कर दो और ओके कर दो।
और कमिट आउटसाइड को, टू आउटसाइड नहीं बनेगा। हाँ आउटसाइड टू आउटसाइड भी होगा, तो एक और काम कर लेते हैं, वो डिस्टिनेशन नेट में आपको क्लियर होगा, लेकिन वैसे यहाँ याद आ गया तो मैंने क्विकली ये कर दिया, तो एनी एनी कर लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ भी हो, तो मैंने कहा चाहे एनी सी एनी कुछ भी हो तो ये कमिट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का डिस्टिनेशन नेट बन जाएगा और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि डिस्टिनेशन नेट किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसको सेव करके, तो मींस क्योंकि हमने बाई डायरेक्शनल ऑन किया था, तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि आप इसी आईपी को यूज करके एन साइड भी यहाँ पे रीच हो सकते हो, क्योंकि ये तो स्टेटिकली इसी बंदे को असाइन है ना, तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एक रूल क्रिएट करना था ताकि बाहर का ट्रैफिक अलाउड हो। हमें पता है सिक्योरिटी रूल हम पढ़ चुके हैं कि जितनी सारी चीज़ें हमें करने हैं साथ ही हमने अलाउड भी करना है, तो बेसिकली मैंने इन साइड से आउट साइड अलाउड किया था, अब मैंने एनी एनी कर दिया, मीन्स इन साइड टू इन साइड, आउट साइड टू आउट साइड, इन साइड टू इन साइड, इन साइड टू कुछ भी हो, तो जो भी कॉम्बिनेशन है वो मैंने सारे अलाउड कर दिए टेस्ट पर्पज के लिए, लैब पर्पज के लिए, रियल में तो आप टू द पॉइंट चीज़ें मेंशन करोगे, यहाँ हमने इस तरह कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सटर्नल से, ये देख, और 1 2 3, तो मैं इंटरनल सर्वर में उसी पब्लिक आईपी से एंटर हो गया, क्योंकि मैंने बाई डायरेक्शनल ऑन किया था। चलो वो भी क्लियर हो गया कि बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब था। ठीक है, तो अब अगर मैं नेट रूल में आके, तो सोर्स नेट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ये ओरिजिनल था और ये ट्रांसलेटेड था, ये सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन था जो लेफ्ट साइड पे था, और यहाँ पे डायनामिक आईपी इनपोर्ट था, फिर डायनामिक आईपी, और हमने स्टैटिक आईपी, और अगर नेट रूल नहीं चाहिए तो नन कर दो, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो डेफिनेटली नन होगा, तो उसकी तो कुछ तुकी नहीं बनती। ओके डन,